नमस्कार, सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। संघ प्रदेश में 3D भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल एवं प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सोखट मेधानी के अध्यक्षता में अल्पसंख्यक मोर्चा कमेटी की हुई गठन। ऐसे में सिलवासा के तमाम अल्पसंख्यकों में मची खुशी की लहर। देखिए, इस दौरान जब हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के तमाम जो अग्रगणी हैं उन्होंने हमसे बात की तो क्या कहा, पेश है हमारा यह रिपोर्ट। अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। विकी जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ पर आपको भी एक स्थान दिया गया और तमाम जगहों पर जिस तरह से ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता रह चुके हैं आप, कैसा लग रहा है? पहले तो धन्यवाद देता हूँ हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट साहब, सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर में इतना बड़ा विश्वास किया और मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं माइनॉरिटी सेल का मोर्चे का मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं अपने दिल से पहले भी काम करता था बीजेपी पार्टी के लिए और आज मेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं और जोर से काम करूंगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब मिलकर हम लोग काम करते थे पहले भी और आज भी करेंगे। और हमारा जितना भी मुस्लिम भाइयों का जितनी मतलब एक हम मुस्लिम भाइयों को ये कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा नज़दीक लाए बीजेपी के साथ में और हम लोग जुड़ाए। हमारे माइनॉरिटी के 25 से 30 हज़ार वोटर है सिलवासा के अंदर में, हम ये कोशिश करेंगे कि सारे के सारे वोट हम लोगों को मिले, हमारे बीजेपी पार्टी को मिले। जो भी उनकी तकलीफ है, जो भी उनके से काम जो भी रहेगा वो हम लोग मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। माइनॉरिटी मोर्चा में हमारे को मैं जैन कास्ट से आता हूँ पर मुझे भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी प्रदेश महामंत्री की। और हमारे पुराने साथी है मुश्ताक भाई जो मुस्लिम समाज से आते हैं, हमारे नए जुड़े सबीर भाई, हम लोगों का भी 10 दिन मेन चुनाव के लिए हमारा विजन है कि हम चुनाव के लिए खास तौर से घूमें लोगों में, हमारे जैन समाज में, मुस्लिम समाज में, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 तलाक और ऐसे जो मुद्दे थे उनको मतलब सॉल्व करके हर मतलब कौम को सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया, उसके विज़न को हमें आगे लेके जाना है और हमें काम करना है। हालांकि मैं 11 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुझे कभी कोई पद के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। आज मुझे पार्टी ने एक मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश महामंत्री बनाया मुझे और हर चुनाव में हम काम करते हैं। शांतु भाई मेरे बड़े भाई, उनके साथ भी हमने नमोटी स्टॉल से लेके हर व्यापारी में हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी, फतेह सिंह जी चौहान जी, राकेश भाई को, हमारे जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष है सौकत भाई, उनको सबको मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ पार्टी को कि मैं हम काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे, काम करते ही आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हम आने वाले आगे 4 साल 5 साल जो भी हमारा कार्यकाल होगा उसमें हम साथ में मिल के, जो हमारी सिलवासा दादरा नगर हवेली की टीम है उनके साथ मिल के हम काम करेंगे। दिलीप भाई, अगर बात करेंगे हम तो आने वाले दिनों में, जैसे आपने पहले बताया कि पहले भी काफ़ी वर्षों से लगातार आप पार्टी में जुड़े हुए हैं और तमाम जो लोग हैं उनको लेकर आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों यदि देखा जाए दादरा नगर हवेली में चुनावी माहौल चल रहा है और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं राजस्थान समाज से बड़े ही बढ़ चढ़ कर लोग इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, तो मतदाताओं के लिए जिस तरह से चुनाव में राजस्थान समाज के लोग जो जुड़ेंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप जैन समाज से आते हैं, राजस्थान समाज से आते हैं? अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं हेमन जी एक बात कहना चाहूँगा, अभी बहुत ऐसा लोगों ने 4-5 दिन में ऐसा किया कि राजस्थानी समाज इनके साथ है, इनके साथ है। अरे भाई, राजस्थानी समाज आज दिन तक और हमारी कौम जैन, मैंने जेपी नड्डा जी को भी लेटर लिखा था और ट्वीट किया था एक दिन ऐसे ही, तो उन्होंने मुझे उस ऑफिस से मुझे ट्वीट का रीट्वीट करके मुझे वापस बताया गया था कि हाँ, आपको माइनॉरिटी में लिया जा सकता है और जैन माइनॉरिटी में आता है। और राजस्थानी समाज पहले से ही भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है और जो समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। हमारे सारे बड़े बड़े जो भी नेता, विनीत जी मुंद्रा हो, शांतु भाई पुजारी हो, वो सब हमारे धोखा जी हो, हम सब मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। राजस्थानी समाज करीब करीब कोई 2-4 लोगों को जो वही पुरानी एक नीति थी, ठेकेदार जो लोग, सामाजिक ठेकेदार जो कह सकते हैं, सामाजिक ठेकेदार,
पर अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, समाज सब जानता है, सारे अच्छे लोग हमारे साथ है, राजस्थानी समाज साथ है, जैन समाज साथ है, खास तौर से आज माइनॉरिटी, माइनॉरिटी एक मतलब जातियों का समूह है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है और बाकी सारे अल्पसंख्यक है, उसमें 6 जाति आती है, उसमें एक जैन भी है, उसको माइनॉरिटी में शामिल किया गया 2014 में और नरेंद्र भाई मोदी ने उसमें बहुत सारे अधिकार दिए उनको। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का सक्सेस ही हमारी जीवन का लक्ष्य है और हम यही कार्य करते रहेंगे। बहुत शब्बीर जी, आप मेहमान समाज से आते हैं, समाज सेवा से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आज आपको माइनॉरिटी सेल में आपको पद दिया गया है, आप कैसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, सेटल बॉन्ड पर मेरा पहली बार कदम रहा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं एक इंसानियत में ज़्यादा मानता हूँ। जहाँ तक मैंने लॉकडाउन में देखा कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो हेल्प की गई थी जनधन योजना के तहत 500 रुपीज जो महिलाओं को, तो 60-70 लोगों की करीब लाइन रहती थी, उसमें ज़्यादातर हमारी मुस्लिम महिला वगैरह रहती थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरा मन एकदम वो हुआ कि ये क्या हो रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे जो अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें भी कहीं भेदभाव नहीं है, लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की है, ये ऐसा कुछ नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और जो इस बार जो नारा आया सबका विश्वास, वो बहुत ही यानी बहुत ही अच्छा है, उसी से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन तक ये जो स्कीम है मोदी जी द्वारा दी गई वो पूरी पूरी तरह पहुँचाई जाएगी, और ना कि चुनाव, उसके बाद भी पूरा काम किया जाएगा, कौम का और इंसानियत पहले आएगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। किस तरह से तमाम जगहों पर जिस तरह से आप हमेशा समाज की अगुवाई करते रहते हैं और हर चीज़ में सामाजिक चीज़ों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे व्यापारी होने के नाते? मैं व्यापारी होने के नाते और दूसरा माइनॉरिटी में जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं प्रदेश की जनता को एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रदेश में 5 सालों में बहुत विकास हुआ है, इतना विकास की विवेचना मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन समय मिलने पर वो भी बताऊंगा, लेकिन हमें एक ही सिद्धांत अपनाना है कि विकास के बढ़ते हुए कदमों के साथ चलना है, ना कि कदम रोकने के लिए अपना काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना। व्यापारियों की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है उसको लेकर? व्यापारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा थे, हैं और रहेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर।